أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دوستو मैं हूँ मोहसिन रवा और आप लोग देख रहे हैं वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है वो CF201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की हमारी जो असाइनमेंट नंबर 1 आई हुई है स्प्रिंग 2020 की उस हवाले से है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो है इस असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट्स को देख लेते हैं, क्योंकि जब तक हमें इस केस की समझ नहीं आएगी जो इस असाइनमेंट के अंदर दिया हुआ है तो उस वक्त तक हम लोग जो है इस असाइनमेंट को नहीं बना सकते हैं। तो दोस्तों केस हमें कुछ इस तरीके से दिया गया है, क्रिएट अ मेन्यू बेस प्रोग्राम यूजिंग C++। हमने एक प्रोग्राम लिखना है जो कि मेन्यू बेस होगा, विच विल कैलकुलेट द इंक्रीमेंट एंड टैक्स डिटेक्शन अमाउंट ऑन सैलरी बेस्ड, जिसके अंदर जो है हमारी इंक्रीमेंट कैलकुलेट की जाएगी और उसके साथ ही हमारी जो सैलरी है वो कैलकुलेट की जाएगी विद द डिफरेंट पे स्केल ऑफ एन एम्प्लॉय। इसमें आपके पास डिफरेंट जो है वो पे स्केल हैं। आफ्टर दिस, इसके बाद नेट सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय विल बी कैलकुलेटेड। इसके बाद जो है जब हम इंक्रीमेंट कैलकुलेट कर लेंगे और टैक्स डिटेक्शन कैलकुलेट कर लेंगे तो हमने जो है उस एम्प्लॉय की नेट सैलरी कैलकुलेट करनी है। डिटेल ऑफ दीज कैलकुलेशन आर प्रोवाइडेड इन सॉल्यूशन गाइडलाइन। इसकी जो डिटेल है वो हमें गाइडलाइन दी गई हैं, सॉल्यूशन वो अगली स्लाइड के ऊपर आपको नजर आएंगी। यू आर रिक्वायर्ड टू यूज इनिशियल सैलरी इंक्रीमेंट रेट एंड टैक्स डिटेक्शन रेट गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अब इसके अंदर देखें हमें डिफरेंट पे स्केल दिए गए हैं, FPS 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। इसमें हमें अगर हम पहले स्केल में हैं 6 पे तो इनिशियल सैलरी 40,000 है, फिर 60,000 है, फिर 80,000 और फिर 1,00,000 है। इसी तरह हमारा जो इंक्रीमेंट रेट है वो भी अगर हम FPS 6 के ऊपर हैं तो वो 20% है, फिर 15% है, फिर 10% है और फिर 5% है। इसी तरह आपका जो टैक्स डिटेक्शन रेट है वो 3% है और इट्स सेम ऑन ऑल द पे स्केल, हर पे स्केल के लिए जो है वो 3% ही है। इसके बाद दोस्तों हमें कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं जिनको हम सॉल्यूशन गाइडलाइंस भी कहते हैं। इसमें देयर शुड बी अ मेन्यू कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट पे स्केल एंड ऑप्शन टू सिलेक्ट वन पे स्केल। हमारे पास एक मेन्यू होगा जिसमें से हम जो है एक पे स्केल को सिलेक्ट करेंगे। फी फर्स्ट सैंपल स्क्रीन फॉर रेफरेंस, और इसके कुछ स्क्रीन शॉट भी दिखाए गए हैं जो कि अगली स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्टेड पे स्केल कैलकुलेट द इंक्रीमेंट अमाउंट एंड टैक्स डिटेक्शन अमाउंट। हम जो भी स्केल सिलेक्ट करेंगे उसका हम कैलकुलेट करेंगे इंक्रीमेंट की अमाउंट भी और टैक्स डिटेक्शन भी। फॉर द रेट ऑफ इंक्रीमेंट एंड टैक्स यूज द टेबल गिवन अबव, और उसकी टैक्स डिटेक्शन के लिए और इंक्रीमेंट के लिए जो है हमने वही टेबल यूज करना है जो कि हमने ऊपर देखा है पहली स्लाइड के ऊपर। इंक्रीमेंट अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड थ्रू द इनिशियल सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ गिवन रेट। हमने जो है गिवन रेट के ऊपर इंक्रीमेंट कैलकुलेट करना है। अपडेट सैलरी विल बी कैलकुलेटेड एज इनिशियल सैलरी प्लस आपका इंक्रीमेंट। जो आपकी अपडेटेड सैलरी होगी वो आपकी इनिशियल सैलरी और प्लस उसके साथ इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद टैक्स डिटेक्शन विल बी कैलकुलेटेड थ्रू द अपडेटेड सैलरी पर गिवन रेट, और 3% हमारा टैक्स रेट है, ये तो हर उसके लिए है। इसके बाद है फार्मूला टू कैलकुलेट द नेट सैलरी इज इक्वल टू इनिशियल सैलरी, और इसमें माइनस इंक्रीमेंट अमाउंट है तो इंक्रीमेंट जो है वो ऐड होता है। आई थिंक कि यहाँ कोई कंफ्यूजन है, तो ये इनिशियल सैलरी प्लस इंक्रीमेंट अमाउंट और माइनस आपकी टैक्स डिटेक्शन अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद आखिरी जो गाइडलाइन है वो है आफ्टर डूइंग ऑल नेसेसरी कैलकुलेशन डिस्प्ले इनिशियल सैलरी इंक्रीमेंट अमाउंट और इंक्रीज अपडेट सैलरी, और फिर हमने टैक्स डिटेक्शन दिखानी है अमाउंट एंड नेट सैलरी फी लास्ट सैंपल। और ये जो है अगली स्क्रीन के ऊपर हमें कुछ सैंपल दिखाए गए हैं, इसमें जो है
हम लोगों ने जो है ऐसा एक सैलरी कैलकुलेटर बनाना है, ये आप लोगों को नजर आ रहा है फर्स्ट स्क्रीन के अंदर ये। उसके बाद ये सिलेक्ट अ पे स्केल, जब हम पे स्केल कोई सिलेक्ट करते हैं कोई इनवैलिड करेंगे, क्योंकि हमारे चार पे स्केल हैं, अगर हम इनवैलिड करेंगे तो सिलेक्ट चॉइस इज इनवैलिड। उसके बाद इस तरीके से अगर हम टू एंटर करते हैं तो नीचे देखें इनिशियल सैलरी आ रहा है, इंक्रीमेंट अमाउंट आ रही है और इंक्रीव्ड सैलरी आ रही है और टैक्स डिटेक्शन है, इसके साथ ही हमारा नेट सैलरी है। तो ये इस तरीके से दोस्तों हमने अपनी जो है वो असाइनमेंट बनानी है। दोस्तों बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ, और सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, अपना हमारा जो डेव सी प्लस प्लस प्रोग्राम है उसको ओपन करेंगे और अपना कोड जो है इसके अंदर लिखेंगे। दोस्तों अब डेव सी प्लस प्लस जो है वो आपके जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है इसके ऊपर जो डाउनलोड सेक्शन है वहां पे आप लोगों को दिया गया है, वहां से डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको कोई इंस्टॉलमेंट में इश्यू आ रहा है तो मेरे जो लेक्चर हैं टीचर ऑनलाइन के ऊपर, वहां पे जो है वो मैंने ना सिर्फ डाउनलोड करना सिखाया है बल्कि इंस्टॉल करना भी सिखाया है। तो आप वहां से जाके वो वाली अगर वीडियो देख लेते हैं तो आपको डेव सी प्लस प्लस की इंस्टॉलेशन का भी पता चल जाएगा। तो हम अपना जो है वो प्रोग्राम शुरू करते हैं, और ओपन करने के लिए हम स्टार्ट के बटन पे क्लिक करते हैं, और ये रहा जी हमारा डेव सी प्लस प्लस, हम इसके ऊपर क्लिक करके ओपन कर लिया। हमारे सामने डेव सी प्लस प्लस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो मेन्यू है फाइल, इसके नीचे देखें न्यू का बटन बना हुआ है, आप न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये एक छोटा सा मेन्यू आएगा जिसके अंदर लिखा हुआ है जी सोर्स फाइल। तो मैं सोर्स फाइल पे क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरा जो है डेफ सी प्लस प्लस आ गया, जिसके अंदर हम लोगों ने आज का अपना प्रोग्राम लिखना है। दोस्तों असाइनमेंट बहुत आसान है, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। तो हम जो है अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं, लेकिन प्रोग्राम लिखने से पहले मैं इसको जो है वो सेव कर लेता हूँ। हम एक लाइन लिख के इसको फिर सेव करते हैं, शॉप फाइन इंक्लूड, और इसके बाद हम लोग वही अपनी एक लाइब्रेरी जो इंक्लूड करते हैं एंगल ब्रैकेट के अंदर आयो स्ट्रीम, ये हम लोग इनपुट आउटपुट के लिए स्ट्रीम यूज करते हैं। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि मेरे सी प्लस प्लस के ऊपर लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। आप लोग मेरा जो दूसरा चैनल है जिसका नाम 24/7 टीचर्स ऑनलाइन है वहां पे जाएं, वहां पे जो है अगर किसी बच्चे को सी प्लस प्लस सीखने में कोई इशू आ रहा है तो वहां पे मेरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। उनकी ब्यूटी ये है कि हर लेक्चर के अंदर मैं एक एक टॉपिक को पढ़ाता हूँ और साथ ही उससे रिलेटेड फिर एक्सरसाइज भी देता हूँ। तो आप लोग वहां पे जाएं टीचर्स ऑनलाइन के ऊपर, उसका यूआरएल जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और जब हमने ये वीडियो शुरू की थी तो उसके स्टार्ट में भी था, तो आप उन लेक्चर से भी जरूर फायदा उठाएं। ये हमने लिखा, हम इसको सेव कर लेते हैं सबसे पहले, और ये है जी हमारी असाइनमेंट नंबर 1 और उसका है सोल्यूशन, सोल्यूशन CF201 असाइनमेंट नंबर 1। ये हम इसको डेस्कटॉप के ऊपर जो है वो सेव कर लिया। इसके बाद हम लोग लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस FTD, और उसके बाद हम लोग जो है अपना मेन प्रोग्राम लिखते हैं इंट मेन, और इस मेन की जो है वो ब्रैकेट आ गई। अब दोस्तों हमने सबसे पहले जो है वेरिएबल लिखने होते हैं, तो हम सबसे पहले जो है वो सारे वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं इसके अंदर, और फिर आगे वो हम मेन्यू कैलकुलेट करेंगे बनाएंगे। इसमें हमारे पास जो सबसे पहला वेरिएबल है वो है पे स्केल, पे स्केल, पे स्केल को जो है हम इनिशियलाइज भी साथ ही कर देते हैं जीरो के साथ। उसके बाद हमारा जो दूसरा वेरिएबल है वो है इंट हमारी इनिशियल सैलरी, हमारी इसको भी मैं जीरो से इनिशियलाइज कर देता हूं। इसके बाद है जी हमारा इंक्रीमेंट, तो उसके लिए भी एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट इंक्रीमेंट, और इसको भी जीरो से इनिशियलाइज कर दिया, जीरो वैल्यू असाइन कर दी। उसके बाद इंट हमारी अपडेट जो सैलरी होगी उसको भी हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे, तो
उसको भी मैंने 0 से जो है वैल्यू असाइन कर दी। अब डेट सैलरी के बाद जो है हमारी टैक्स डिटेक्शन होगी, तो उसके लिए भी इंट टैक्स डिटेक्शन, और उसको भी मैंने वैल्यू 0 असाइन कर दी। इसके बाद जो है आखिरी जो है हमारी होगी नेट सैलरी, तो नेट सैलरी के लिए भी मैंने एक वेरिएबल नेट सैलरी के नाम से लिया, और यहाँ पे इसको भी मैंने 0 के साथ जो है वैल्यू असाइन करवा दी। तो दोस्तों ये हैं हमारे वेरिएबल, इनको आप एक ही लाइन के अंदर कॉमा सेपरेटेड भी लिख सकते हो, ठीक है। अब जब आप असाइनमेंट बना लें तो आपने जो करना है वो ये करना है कि आपने की असाइनमेंट जो है वो कॉपी नहीं होनी चाहिए। तो आप लोगों ने ये जो मैंने वेरिएबल्स के नाम रखे हैं, आप लोगों ने ये वाले वेरिएबल्स के नाम यूज नहीं करने। आप लोग पे स्केल जैसे लिखा हुआ है तो आप इनके अंदर जो है वो अंडरस्कोर डाल सकते हो हर वेरिएबल के अंदर, तो उससे आपकी असाइनमेंट जो है वो डिफरेंट बन जाएगी। इंक्रीमेंट लिखा हुआ है तो अब इसके अंदर अंडरस्कोर नहीं आता, तो आप लोग जो है इसको शॉर्ट करके लिख सकते हो, INC लिख सकते हो, और इस तरीके से आपने हर जो वेरिएबल है उसका जो नाम है उसको तब्दील करेंगे तो आपकी जो असाइनमेंट है वो यूनिक बनेगी। अगर आप सेम एज इट इज कॉपी कर देंगे तो उससे होगा क्या कि आपको जो है 0 मार्क्स जो हैं वो मिलेंगे। इसको हम सेव कर लेते हैं। इसके बाद हम लोगों ने वो मेन्यू बनाना है, तो हमें पता है कि अगर हमने किसी चीज को डिस्प्ले करवाना हो स्क्रीन के ऊपर तो हम लोग जो है वो सी आउट यूज करते हैं, सी आउट लेस देन, और फिर हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी चीज लिखेंगे वो हमारी जो है स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगी। तो हम मेन्यू बनाने के लिए ये सबसे पहले स्टेरिक यूज किया, और हमने यहाँ पे लिखा सैलरी कैलकुलेटर। सैलरी कैलकुलेटर लिखने के बाद जो है हम लोग इसके फिर वही स्टेरिक बना लेते हैं। इसके बाद हम लोग जो है एंडल यूज करेंगे ताकि हमारा जो कर्सर है वो नई लाइन के ऊपर जो है हमें लेके चला जाए। इसके बाद आपकी डिफरेंट चॉइसेस हैं, वो चॉइसेस हम लिखेंगे। मैं इसी जो मेन्यू है इसी को कॉपी कर लेता हूँ और नीचे जो है पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमारा जो टाइम है वो सेफ हो। तो हम यहाँ पे हमारा जो पहला पे स्केल था वो लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर 1 FPS। हमारा जो पहला था वो फिक्स था, तो FPS 6 हम लोगों ने लिख दिया। इसी तरह मैं इसको फिर कॉपी करता हूँ और नीचे लाके पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे हम एंटर लिखेंगे 2, और FPS जो है हमारा वो अब आ जाएगा 7। इसके बाद फिर हम उसी कॉपी किए हुए को दोबारा जो है वो पेस्ट करेंगे। दोबारा पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा एंटर 3, और FPS स्केल जो है हमारा हो जाएगा 8। इसी तरह आगे जो है फिर मैंने इसको पेस्ट किया और यहाँ पे एंटर 4, और FPS जो हमारा स्केल था वो हमारा 9 आ जाएगा। दोस्तों मैं आपको फिर बताता चलूँ कि अगर किसी बच्चे को प्रोग्रामिंग सीखने में कोई मसला आ रहा है तो मेरे दूसरे चैनल 24/7 टीचर्स ऑनलाइन के ऊपर मेरे अपने C++ के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आप वहां पे जाएं और आप उन वहां से लेक्चर जो है सुन के और C++ जो है वो सीख सकते हैं। उस चैनल का जो URL है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। दोस्तों ये जब हमारे सारे जो स्केल हैं वो जब कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम लोगों ने जो है एक और सी आउट लेना है, और वहां पे जो है हम लोगों ने लिखना है कि आप जो है इसमें से कोई एक स्केल जो है वो सिलेक्ट करें। तो यहां पे मैं लिखता हूं जी सिलेक्ट द पे स्केल फ्रॉम मेन्यू। इस मेन्यू में से आप कोई पे स्केल जो है एक वो सिलेक्ट करें। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने जो यूजर पे स्केल सिलेक्ट करेगा, फॉर एग्जाम्पल यूजर जो है वो पे स्केल 4 सिलेक्ट करता है या 3 सिलेक्ट करता है, तो हमने वो जो रिजल्ट है वो भी किसी वेरिएबल के अंदर जो है वो सेव करवाना है,
ऊपर जो है हम वो वेरिएबल डिफाइन कर चुके हैं जिसको हमने जो है पे स्केल का नाम दिया। तो हम अपनी वो वाली जो वैल्यू है वो इस पे स्केल वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, और आपको पता है कि जब हमने किसी यूजर से कोई इनपुट लेनी हो तो उसके लिए हम फी इन लिखते हैं। फी आउट का मतलब ये है कि आप आउटपुट लेना चाह रहे हैं, और फी इन का मतलब ये है कि आप कोई इनपुट लेना चाह रहे हैं। तो हम फी इन लिखेंगे, और यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम मैंने पेस्ट किया ताकि इसी के अंदर, और ये कॉपी पेस्ट मैंने इसलिए किया है कि ऊपर हमने जो वेरिएबल के नाम रखे हैं नीचे वो वेरिएबल जो है सेम एज इट इज रहे। अगर आप गलत मतलब टाइप करोगे तो फिर आपका जो है एरर आएगा। तो इसलिए मैंने वेरिएबल का नाम जो है वो कॉपी कर लिया था, सी इन करवाया। अब देखें यूजर ने जो है वो 4 सिलेक्ट किया या 3 सिलेक्ट किया या कुछ भी सिलेक्ट किया, तो वो वाली वैल्यू जो है हमारी स्पेस स्केल वाले वेरिएबल के अंदर आ गई। अब इसके अंदर आने के बाद हम लोग इस वेरिएबल्स को जो है आगे यूज कर सकते हैं जिसके अंदर वो हमारी वैल्यू स्टोर पड़ी है। तो अब यहाँ पे जो है हम लोग स्विच स्टेटमेंट यूज करेंगे, और स्विच स्टेटमेंट जो है उसके जरिए जो है हम आगे अपनी सारी आउटपुट जनरेट करेंगे। और मैं आपको बताता चलूं कि जरूरी नहीं है हर प्रोग्राम को लिखने के डिफरेंट मेथड्स हैं, तो आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो। आपकी जो आउटपुट है वो सेम वही आनी चाहिए जो यूजर की रिक्वायरमेंट है या ट्यूटर की रिक्वायरमेंट है। स्विच स्टेटमेंट की जगह पे आप इफ एल्फ यूज कर सकते हो, स्विच यूज कर सकते हो, तो इट्स डिपेंड ऑन यू के विच चॉइस इज बेटर फॉर यू। आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो। हमने लिखा जी स्विच, और स्विच लिखने के बाद आपको पता है कि हमने जिस वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू स्टोर करवाई है उस वेरिएबल को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पास कर देंगे। और इस स्विच स्टेटमेंट के अंदर जो है ये उसकी ब्रैकेट्स आ गई, और यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट के अंदर डिफरेंट केसेस बनते हैं। तो हम जो है अपने सबसे पहले ही जो है मैं 4 केसेस बना लेता हूँ, केस 1, और फिर हमारे पास जो है केस 2, कि अगर यूजर जो है वो केस 1 सिलेक्ट करता है तो उसको ये दिखाओ, अगर केस 2 सिलेक्ट करता है तो उसको ये करो, अगर केस 3 सिलेक्ट करता है केस 3, अगर केस 3 करता है तो फिर ये करो, अगर वो केस 4 सिलेक्ट करता है तो फिर ये करो। और इसके बाद एंड के ऊपर एक डिफॉल्ट होता है कि अगर वो इन ऊपर वाले केसेस में से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करता तो फिर डिफॉल्ट एक केस प्रिंट कर दो। और डिफॉल्ट लिखने के बाद ये हमारा एक केस बन गया। अब यहां पे जो है मैं पहले एक केस बना लेता हूं, उसके बाद फिर हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। और दोस्तों मैं आपको फिर बता दूं कि आप जो है, मैंने इसकी एग्जाम की तैयारी के लिए भी जो है की टू सक्सेस के ऊपर एक अच्छा मतलब एक वीडियो रखी है जिसके अंदर 50 MCQs हैं आपके, तो आप वहां से एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हो। तो आप की टू सक्सेस पे जाएं तो वहां पे एग्जाम की तैयारी के लिए भी काफी अच्छा मटेरियल अवेलेबल है, तो आप उससे भी फायदा उठाएं, वो आपको मिड टर्म में भी हेल्पफुल करेगा और फाइनल टर्म में भी। मिड टर्म का जो है वो मैं इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर दूंगा, फाइनल का अपलोडेड है। तो उससे फायदा ये है कि MCQs को ना सिर्फ मैंने सॉल्व किया है बल्कि वहां पे आपको समझाया भी है कि आपने इन MCQs को जो है कैसे सॉल्व करना है। अब हम वापस आते हैं जी अपने केस 1 के ऊपर, और केस 1 के ऊपर जो है हम लोग सबसे पहले जो है इन वेरिएबल्स का सीक्वेंस देखें। पे स्केल के अंदर हमारी वो सारी चीजें सेव हैं। हम सबसे पहले इनिशियल सैलरी जो है हमारी वो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा इनिशियल सैलरी, और इनिशियल सैलरी को जो है हमने ऊपर 0 से इनिशियलाइज किया था। हमारी जो सबसे पहली इनिशियल सैलरी है पे स्केल 1 के लिए या 6 के लिए, वो हमारे पास 40,000 है। तो वो मैंने 40,000 इसको असाइन किया और सेमी कॉलन लगा दिया। इसके बाद देखें हम कैलकुलेट करेंगे जी अपना इंक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट कैलकुलेट करने का क्या है, तो हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट वेरिएबल लिया और इसको इक्वल्स किया। इक्वल्स करने के बाद हमने लिखा कि 40,000 जो है वो हमारी बेसिक पे है, और इसका जो इंक्रीमेंट है वो 20% है। तो हमने मल्टीप्लाई बाय 20 किया और इसको डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। इसके बाद जो है आपने बिल्कुल सीक्वेंस के साथ बिल्कुल समझ के, एक एक चीज मैं आपको क्लियर बता रहा हूं और समझा रहा हूं,
इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसके बाद आपने अपडेटेड सैलरी कैलकुलेट करनी है। अपडेटेड सैलरी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने जो इंक्रीमेंट कैलकुलेट किया है वो अपने उस सैलरी के साथ ऐड करेंगे। तो हमारी इनिशियल सैलरी आ जाएगी, इनिशियल सैलरी वाला वेरिएबल, और इसके साथ हम जमा करेंगे इंक्रीमेंट जो इस स्टेप से कैलकुलेट होगा। इसके बाद फिर हम लोग एक सेमी कॉलन लगाते हैं। उसके बाद आगे जो है हमारी टेक्स्ट की डिटेक्शन है, ये हम टेक्स्ट डिटेक्शन वाला वेरिएबल लेंगे और यहाँ पे आके टेक्स्ट की डिटेक्शन कैलकुलेट करनी है। तो जो टेक्स्ट की डिटेक्शन है वो हमारी कैलकुलेट होगी अपडेटेड सैलरी वाले वेरिएबल से। तो अपडेटेड सैलरी, और इसको हम मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे और डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, क्योंकि हमारा जो टैक्स रेट है वो 3% है। इसके बाद आपकी टैक्स डिटेक्शन कैलकुलेट करने के बाद आपका आता है जी नेट सैलरी। अब नेट सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट सैलरी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वल करेंगे नेट सैलरी, और इसके बाद हमारी जो है इनिशियल सैलरी आ जाएगी, और इनिशियल सैलरी के बाद जो है हमारी इंक्रीमेंट आ जाएगी प्लस इसके साथ इंक्रीमेंट, और इसके बाद जो है हमारी माइनस टैक्स डिटेक्शन। और ये जो है आप यहाँ पे एक और फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, जो आपने अपडेटेड सैलरी कैलकुलेट की है वो, और उसमें से माइनस कर दो आप टैक्स डिटेक्शन, तो आपके पास जो है आपकी नेट जो पे है वो आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने ये सारी चीजें जो हैं वो स्क्रीन के ऊपर भी प्रिंट करवानी है। तो अब हम बारी बारी, जैसे मैंने आपको ये सीक्वेंस के साथ समझाया है, आप इसी तरह सीक्वेंस से जो है इसको प्रिंट कर लेंगे। वो कैसे प्रिंट करेंगे, हम जो है सबसे पहले लिखते हैं सी आउट, और इसमें मैंने लिखा जी लेस देन, और इसमें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप लोगों ने लिखना है सबसे पहले आपकी इनिशियल जो सैलरी है वो। तो हम यहाँ पे, मैं इस वेरिएबल को कॉपी कर लेता हूँ और इसको जो है यहाँ पे मैंने लिखा और इसका आई बड़ा कर देता हूँ। अब ये वाला जो लिखा हुआ है ये आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो लिखा हुआ नजर आएगा, इनिशियल सैलरी, और इसके बाद हम लोग जो है सी आउट लेस देन, और यहाँ पे इनिशियल सैलरी वाला वेरिएबल। अब देखें यहाँ पे ये मैंने आपको इनिशियल सैलरी 40,000 से, अब जब यहाँ पे सी आउट कर रहे हैं तो यहाँ पे वो 40,000 प्रिंट होगा। इसके बाद हम फिर सी आउट और लेफ्ट देन और एक एंडल लगा देते हैं ताकि हमारा जो कोड है वो बिल्कुल हमें ठीक स्क्रीन के ऊपर नजर आए। इसके बाद इनिशियल सैलरी को प्रिंट करने के बाद आप लोगों ने दिखाना है जी इंक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट मैं इसी कोड को जो है कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, और यहाँ पे ये इंक्रीमेंट वाला वेरिएबल जो है यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है, ताकि आपकी इंक्रीमेंट की जो जितनी भी वैल्यू कैलकुलेट हुई है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाए। इसके बाद फिर मैं इन तीनों लाइंस को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाके पेस्ट किया। इसके बाद देखें इंक्रीमेंट के बाद है हमारी अपडेटेड सैलरी। अपडेटेड सैलरी जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे लाके मैंने पेस्ट किया, इसको मैं यू बड़ा कर देता हूँ ताकि ये हमें ठीक से वहां नजर आए अपडेटेड सैलरी, और यहाँ पे वो आपने वेरिएबल पेस्ट कर देना है जहां पे आपकी अपडेटेड वेरिएबल की वैल्यू आएगी। इसके बाद दोस्तों आप लोगों ने फिर इन तीनों लाइंस को कॉपी करना है और यहाँ पे लाके पेस्ट किया। उसके बाद अपडेटेड सैलरी के बाद है हमारी टेक्स्ट डिटेक्शन। अब टेक्स्ट डिटेक्शन जो है वो यहाँ पे पहले मैं पेस्ट करता हूँ ताकि वो हमें स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ नजर आए, और इसके बाद फिर आगे वो वेरिएबल पेस्ट कर देता हूँ जहाँ पे टेक्स्ट की कैलकुलेशन होगी वो हमें यहाँ पे नजर आ जाएगी। इसके बाद फिर मैं इन तीनों लाइंस को कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट किया, और यहाँ पे फिर आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है नेट सैलरी। तो यहाँ पे मैंने लिखा जी नेट सैलरी, और इसके साथ ही आप लोगों ने वो नेट सैलरी वाला वेरिएबल पेस्ट कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो है ब्रेक एक स्टेटमेंट यूज करते हैं। अब इस ब्रेक का क्या फायदा है, अगर यूजर आपका चॉइस वन सेलेक्ट करता है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद ब्रेक हो जाएगी, मतलब केस टू, केस थ्री, केस फोर और डिफॉल्ट केस ये एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे। अगर यूजर थ्री जो है वो थ्री सेलेक्ट करता है तो
तो फिर आपका केस वन भी एग्जीक्यूट होगा, टू भी, और फिर थ्री, फिर आगे आपका फोर, और जो डिफॉल्ट है वो नहीं होंगे। तो इसलिए हम ये ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं। मैं फिर आपको बता दूं, अगर किसी बच्चे को सी प्लस प्लस सीखने में इशू है तो वो मेरे चैनल 24R7 टीचर्स ऑनलाइन पे जाए, जिसका URL डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, तो वो वहां से जाके सी प्लस प्लस जो है वो सीख भी सकता है। दोस्तों, इस तरीके से हमारा ये केस वन जो है वो कंप्लीट मुकम्मल हो जाता है। अब आपने करना क्या है, जहां से ये केस वन स्टार्ट हुआ है यहां से जो है नीचे आपने कॉपी कर लेना है इसी को। इसको कॉपी करने के बाद ब्रेक स्टेटमेंट तक इसको आपने केस टू के अंदर जो है वो पेस्ट कर लेना है। और यहां पे आपने थोड़ी सी चेंज करनी है कि केस टू के अंदर हमारी जो सैलरी थी वो 60,000 थी, तो यहां पे आपने 60,000 कर देना है, जहां पे आपका 40,000 लिखा हुआ है। और यहां पे 20% आपका जो है वो इंक्रीमेंट नहीं, बल्कि आपका यहां पे 15% था, तो यहां पे 15%, बाकी टैक्स की कैलकुलेशन आपकी वही रहेगी। इसके बाद यही जो है आपने केस थ्री के अंदर पेस्ट किया, और केस थ्री के अंदर आपकी जो सैलरी थी वो 80,000 थी, तो हमने 40,000 की बजाय इसको 80,000 कर दिया। और यहां पे टैक्स की जो आपकी कैलकुलेशन थी वो 10% थी, तो यहां पे हमने 10 कर दिया। इसी तरह आपने फिर चले जाना है केस फोर के अंदर, और यहां पे पेस्ट करने के बाद अब केस फोर की जो आपकी सैलरी थी नेट वो 1,00,000 थी, तो हमने इसको 1,00,000 किया। और 1,00,000 करने के बाद इसकी जो टैक्स की डिटेक्शन थी वो हमारे पास 5% थी, तो यहां मैंने 10 की बजाय जो है वो 5 कर दिया। इसके बाद बचता है हमारे पास आखिरी केस। दोस्तों, इसके अंदर हम लोगों ने एक और जो है स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है कि अगर यूजर ऊपर वाले सारे केसेस में से कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर सकता तो फिर क्या हो, तो फिर उसे एक एरर मैसेज जनरेट हो कि यू हैव एंटर इनवैलिड चॉइस, कि आपने जो ऊपर आपको चॉइसेस दी गई हैं उसमें से आपने चॉइस सेलेक्ट नहीं की, तो आपने इनवैलिड चॉइस जो है वो सेलेक्ट की है। इसमें को मैं सेव करता हूं। ये दोस्तों हमने सारा जो है वो कोड लिख लिया है। अब हम अपने प्रोग्राम को जो है सबसे पहले कंपाइल करेंगे। तो यहां पे देखें, ये बटन बना हुआ है कंपाइल का, तो कंपाइल के बटन पे क्लिक किया। कंपाइल का थोड़ा सा प्रोसेस है, कंपाइल कंप्लीट आपका जब हो जाएगा तो यहां पे देखें आपको एरर भी जीरो आएगा और वार्निंग भी जीरो आएगा। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई एरर नहीं है। अगर एरर आता है तो आपने उसको देखना है। यहां पे आपको वो लाइन भी बताएगा कि किस लाइन के ऊपर एरर है, तो आपने उसको आइडेंटिफाई करना है और ठीक करना है। उसके बाद हम इसको करते हैं जी रन। रन किया तो आपके सामने देखें ये एक स्क्रीन आ गई। अब इसके ऊपर देखें आपको वो मेन्यू भी नजर आ रहा है, बल्कि इसको मैं बंद करके इस मेन्यू के बाद देखें एक हमें कोई डॉट या सेपरेटर नहीं नजर आ रहा, तो सिलेक्ट मेन्यू कहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो है मैं इक्वल साइन लगा देता हूँ। इसको मैं दोबारा कंपाइल करता हूँ और दोबारा रन किया तो अब देखें यहाँ पे जो है आपके सामने ऐसी एक स्क्रीन आ रही है, और यहाँ पे देखें आपको वो आगे कर्सर भी नजर आ रहा है। अब इस मेन्यू में से हम 1, 2, 3 या 4 चॉइसेस में से कोई एक चॉइस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें पहले जो है मैं रॉन्ग एंटर कर देता हूँ, मैंने जो है 5 एंटर कर दिया, और 5 लिखने के बाद जो है मैंने एंटर किया, तो आप देखें यहाँ पे आपको मैसेज आ गया यू हैव एंटर इनवैलिड चॉइस, कि आपने इनवैलिड चॉइस को सिलेक्ट किया। इसके बाद हम दोबारा इसको रन करते हैं, और दोबारा रन करने के बाद मैं इसमें देखें 1 प्रेस कर देता हूँ, 1 मैंने लिखा और एंटर किया, तो यहाँ पे देखें उसकी इनिशियल सैलरी आ गई 40,000, इंक्रीमेंट 8,000, अपडेटेड सैलरी 4,800, टैक्स डिटेक्शन आ गई और नेट सैलरी आ गई। इसी तरह मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, और मैं अब जो है इस बार अपनी चॉइस जो है वो चेंज करता हूँ, 4 कर देता हूँ। तो 4 जब मैंने लिख के एंटर किया तो यहाँ पे देखें 4 की इनिशियल सैलरी 1,00,000, इंक्रीमेंट 5,000, अपडेटेड सैलरी 1,05,000, टैक्स डिटेक्शन 3,150, और नेट सैलरी जो है वो आपकी 1,01,850 आ गई। इसी तरह आपको अगर 2 एंटर करते हैं तो वो भी नजर आएगा, और इसी तरह अगर आप लोग जो है वो 4, 3 एंटर करते हो तो वो भी आपको नजर आएगा।
चलते हैं जी हम अपनी वापस फ्लाइट के ऊपर। दोस्तों ये थी है हमारी असाइनमेंट CF201 की, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की। आखिर में मैं फिर आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग जो है 24/7 टीचर्स ऑनलाइन को भी विजिट करें और की टू सक्सेस को भी विजिट करें। वहां पे मेरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं और दूसरे चैनल के ऊपर आपकी एग्जाम की तैयारी के हवाले से काफी अच्छा मटेरियल अवेलेबल है। दोस्तों मिलते हैं अगली किसी असाइनमेंट सोल्यूशन के साथ, या GDB सोल्यूशन के साथ, या क्विज के सोल्यूशन के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।